हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये टारगेट है। बेटा तुम इतनी चिंता मत करो, रास्ते का मामला है, कहीं देर हो गई होगी उसको। हाँ भाभी, हो सकता है भैया कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ हो ना गया हो रास्ते में। ये लो भाभी, आगे भैया, आप फालतू में इतना परेशान हो रहे थे, ये लो आगे। आप क्यों नहीं रहे? रुक क्यों गया वो? भैया को तो जगह पता थी। तुमने मुझे जिस जगह रुकने को कहा हुआ है मैं उसी जगह पर रुका हुआ हूँ, ये अचानक जगह बदलने की वजह क्या है? लेकिन हेलो, सुनो तो, हेलो, काट दिया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन लोगों को मैंने मना किया था कि मेरे पीछे मत आए। तुमने मेरे पति को मारा है।
क्यों मारा मेरे पति? मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो गया, मैंने बहुत कोशिश की बचाने की। झूठ, तुमने मारा मेरे पति को, इसने मेरे पति को मारा, बताओ क्यों किया, क्यों किया तुमने ये सब, क्यों? चाचा जी, संभालो अपने आप को संजनी, संजनी तू नहीं बचेगा, अभी सीआईडी को बुलाता हूँ। हेलो सीआईडी, ऐसे क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं, किसी ने जानबूझकर किया, किसी ने आपके पति को मारा है? हाँ साहब ये सच है, मैं भला क्यों मारूंगा, ये एक्सीडेंट है साहब। बाद में बात करूंगा। बताओ। सर, सर ये जानबूझकर किया गया है, मेरे पति को, मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया है। साहब अच्छा खासा मैं गुजरात से चला आ रहा था, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, यहीं पर आकर मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया साहब। साहब वो गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने थी, मैं ब्रेक लगाने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन साहब ब्रेक नहीं लग रहा था, मैंने हॉर्न भी बजाया, स्टीयरिंग काटने की कोशिश की साहब, लेकिन ये एक्सीडेंट हो गया साहब। साहब मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, स्टीयरिंग काटने की कोशिश की, स्टीयरिंग जाम हो गया साहब, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ साहब। सही कह रहा है सर, ये किसी ने स्टीयरिंग और ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की है सर। अच्छा। देखा आपने, मैं कह रही थी ना, ये एक सोची समझी साजिश है, मेरे पति को मार दिया गया है सर, और मैं आपको बता सकती हूँ क्यों। छोड़ दो संजनी, अब हम कुछ भी कर ले, हमारा अमित तो वापस आने वाला नहीं, हमारा तो घर ही उजड़ गया ना, अब किसी को कुछ बता के क्या फायदा होने वाला है। क्यों छोड़ दूं चाचा जी, अब छुपाने वाली बात रही क्या गई है, अमित तो अब नहीं रहे और काजल का कोई पता ही नहीं। काजल? ये काजल कौन है? बताइए संजनी जी, ये काजल कौन है? अमित और मेरी इकलौती बेटी। क्या हुआ? उसे कल किसी ने अगवा कर लिया, आज अमित उसकी फिरौती की रकम देने आ रहा था। काजल को कल अगवा कर लिया गया, किडनैप किया गया और अमित फिरौती की रकम लेके जा रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों बातों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। हाँ सर, मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, मेरा दिल घबरा रहा था सर, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। अमित, अमित, हमें भी साथ ले चलो। अमित नहीं, किडनैपर ने मुझे अकेले बुलाया। अच्छा करण को तो ले जाओ। हाँ भैया मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं गार्डन में घूमने नहीं जा रहा हूँ करण। अमित मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अगर वहाँ पे कुछ कुछ नहीं होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, उन्हें जो कुछ चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूँ, एक बार हमारी बच्ची सही सलामत हमें मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलता हूं मैं। अमित, अमित, संजनी चलो अंदर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ओके चाचा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं संजनी, देखो तुम हमारे घर की बहू हो लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी ऐसे समझता हूँ, इसलिए तुम्हें नसीहत दे रहा हूँ, अपने पति से पूछे बगैर कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ प्लीज। नहीं चाचा जी, मैं तो जाऊंगी, आप लोग चल रहे हो तो चलो, करण गाड़ी निकालो।
सर, कोई उस आदमी को क्यों मारेगा जो उसे फिरौती देने आने वाला था? हाँ सर, ऐसा करके तो उसे पैसे भी नहीं मिलने वाले। सर गाड़ी में पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले गाड़ी में? नहीं सर, और सर ना ही कोई ऐसा बैग या फिर ब्रीफकेस मिला है जिसमें फिरौती की रकम रखी गई हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में से किसी ने पैसे निकाल लिए? संजीवी जी, गाड़ी में फिरौती के पैसे हैं नहीं। पैसा नहीं था? पैसा नहीं था? फिरौती कुछ और ही थी। क्या कुछ और ही था? पैसा नहीं था तो और क्या था संजनी? सोना चांदी गहना कुछ तो होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अमित से पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। कुछ नहीं। क्यों कर रही? तुम्हें कुछ पता है? सर हमें बस इतना पता था कि काजल को अगवा करने वालों ने फिरौती मांगी है और भैया आज यहाँ फिरौती देने वाले थे। कितना था, क्या था, हमें कुछ भी नहीं पता सर। संजनी जी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। हमसे कुछ भी छुपाइए मत, यही वक्त है सच सच बताने का। हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं सर, यकीन कीजिए सर, मेरी बेटी को बच्चा फिरौती के लिए पैसे नहीं देने थे तो फिर और क्या हो सकती थी फिरौती? और फिर अमित ने ये सब छुपाया क्यों? क्यों छुपाया अपने परिवार वालों से भी? एक्सीडेंट से पहले तुम कहीं रुके थे क्या? कुछ इतनी देर के लिए कि जिस वक्त में कोई तुम्हारा स्टीयरिंग या फिर ब्रेक के साथ कोई छेड़छाड़ करे। हाँ साहब, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर पहले टोल नाका है, वहां के अफसर ने मुझे रोका था। यहाँ से 2 किलोमीटर पहले? साहब यहीं पे रुकी, यहीं पे। साहब यहीं पे था वो टोल नाका, ये अचानक गायब कैसे हो गया? साहब मैं जब गाड़ी लेकर आया था यहीं पर था, मैं सच कह रहा हूँ साहब। अगर यही था तो गायब कहाँ हो गया? ये देखो, यहाँ झाड़ियों के पीछे गायब हुआ है वो टोल नाका। हाँ साहब, ये बैरल और बंबू तो यहाँ पर थे, वहां कैसे पहुंच गए? ये नकली टोल नाका सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया था। और जब तुम यहाँ के उस नकली ऑफिसर से बात कर रहे होगे, उस वक्त तुम्हारे ट्रक के ब्रेक और स्टेयरिंग के साथ किसी ने छेड़खानी की है? यानी सर ये सब नकली था? जी हाँ, सब कुछ नकली था। अब एक काम करो, उस नकली ऑफिसर का स्केच बनाओ हमारे लिए। जी सर। सर यही है वो नकली ऑक्ट्रॉय ऑफिसर जिसने ट्रक रोका था। हमारे रिकॉर्ड में इसका कुछ मैच वगैरह है? नहीं सर, किसी से नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, जो अमित को फिरौती के लिए फोन आ रहे थे जिस नंबर से, उसका पता भी गलत दिया हुआ है। अब जिस समझ में नहीं आता, एक बाप अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए फिरौती की रकम लेके जा रहा है, उसका खून होता क्यों? क्यों होता है खून? क्या वजह हो सकती है? और सर फिरौती अगर पैसा नहीं है तो और क्या हो सकता है? बस शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपको। तुझे गाड़ी में कोई फिरौती की रकम मिल गई क्या? नहीं, रकम नहीं। कोई ज्वेलरी जो गाड़ी में छुपा के रखी गई हो फिरौती के तौर पे देने के लिए? नहीं, बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब, आपका हर जवाब अगर नहीं और बिल्कुल नहीं है तो मिला क्या आपको? आइसक्रीम। अमित की कार में आपको आइसक्रीम मिली है? नहीं। हाँ नहीं खानू की, क्या मजाक है ये? सीधे सीधे बता क्या मिला है तुझे? मजाक नहीं है बॉस, बताता हूँ। मुझे अमित की दाहिने हाथ की उंगलियों में आइसक्रीम मिली। सर आइसक्रीम का फ्लेवर क्या था? गुड क्वेश्चन। बटर स्कॉच, बटर स्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम थी। सर आपको पूरा यकीन है कि आपकी जांच में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है? तुम्हें मेरी जांच पर यकीन है कि नहीं? सर है यकीन है, मगर ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर कि एक आदमी अपनी अगवा की हुई बेटी के लिए फिरौती लेके जा रहा है।
और इस काम से पहले वो बटर स्कॉच आइसक्रीम के मजे लेने लगता है। देखो भाई, वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था ये मुझे नहीं मालूम। अब इस क्लू से आप लोग कुछ ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए, मैं चलता हूं। बाय। काम करो सर, आमिर की पत्नी संजीनी को फोन करो, पूछो उससे कि आमिर घर से निकलने से पहले आइसक्रीम खा के निकला था क्या, हाथ धोए थे क्या नहीं, ये भी पूछो। सर समझ में नहीं आता, एक बाप अपनी बेटी को चुराने के लिए फिरौती की रकम लेके जा रहा है मगर बीच रास्ते में रुककर आइसक्रीम खाता है, बटर स्कॉच आइसक्रीम। सर सर संजीनी ने बताया कि उनकी बेटी को आइसक्रीम से एलर्जी थी, इसलिए वो लोग आइसक्रीम खाने से परहेज करते थे और घर में भी आइसक्रीम नहीं रखते थे। सर ये लो, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि अमित ने आइसक्रीम घर से निकलने के बाद खाई है। सर ये अमित कैसा बाप है सर, अपनी बेटी को छुड़ाने से पहले कहीं रुककर बटरस्कॉच आइसक्रीम खा रहे। पंकज ये बाप आइसक्रीम खाने के अलावा कुछ और ही है। तुम लोग एक काम करो, पता लगाओ अमित के घर और फिरौती देने की जो जगह थी उसके बीच में कितने आइसक्रीम पार्लर्स हैं। जरूर अमित किसी न किसी आइसक्रीम पार्लर में गया होगा और वहीं उसने ये बटरस्कॉच आइसक्रीम खाया होगा। सर हमने सारे आइसक्रीम पार्लर चेक किए तो पता चला कि ये वही आइसक्रीम पार्लर है जहां से अमित ने कल आइसक्रीम खरीदी थी। ठीक है। आइए सर। आपको ठीक से याद है कि कल अमित ने आप ही के आइसक्रीम पार्लर से वो बटरस्कॉच आइसक्रीम खरीदी थी? जी सर। और बड़े मजे से उसने आइसक्रीम खाई होगी? नहीं सर, उन्होंने उसे डिलीवरी करने के लिए कहा था। खाई नहीं? अरे सर ये तो गड़बड़ कर दिया, इतनी अच्छी आइसक्रीम खरीदी और खाई भी नहीं। अगर उसने आइसक्रीम खाई नहीं तो फिर उसके हाथ में आइसक्रीम आई कैसे? किस एड्रेस पे भिजवाई थी आइसक्रीम? एक मिनट मैम, पता करना होगा कौन है वो खास आदमी जिसके लिए अमित ने अपने इम्पोर्टेंट काम को रोक कर उसके लिए आइसक्रीम भेजना ज्यादा जरूरी समझा। ये नाम है, ये तो अमित के घर का एड्रेस है। सर समझ में नहीं आ रहा, अमित अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए जा रहा था और यहाँ से उसने अपने घर आइसक्रीम भिजवाई। वही तो, ये कोई खुशी की बात तो थी नहीं जो आइसक्रीम भेजना बहुत जरूरी है। अच्छा ये आइसक्रीम की डिलीवरी कितने बजे हुई थी? तकरीबन 1:30 बजे। सर उस समय तो अमित के एक्सीडेंट की छानबीन चल रही थी। इसका मतलब है घर पे परिवार का कोई भी नहीं होगा। एक मिनट अभी पता करता हूँ। हेलो संजनी जी, जी आपसे एक बात की जानकारी चाहिए थी, क्या कल दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच आपके घर आपके नौकर ने या फिर वॉचमैन ने किसी आइसक्रीम की डिलीवरी ली थी? ठीक है, ओके ओके थैंक यू। मैनेजर साहब उस वक्त उनके घर पे कोई भी नहीं था, वॉचमैन और उनके घर के नौकरानी को उन्होंने छुट्टी दे रखी थी, घर पे ताला लगा हुआ था, तो फिर आइसक्रीम की डिलीवरी कैसे हुई? लेकिन सर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक कल ये डिलीवरी हुई थी। ये डिलीवरी किसने की थी? गिरीश। गिरीश, सर हम इस बटरस्कॉच का गिरीश का पीछा क्यों कर रहे हैं सर? अबे ये तो पता चल गया था कि कल अमित ने आइसक्रीम का जो ऑर्डर दिया था उसके घर तक नहीं पहुंचा। हाँ सर, अब हमें ये पता चलेगा कि इस डिलीवरी बॉय ने उस आइसक्रीम के साथ क्या किया था। सर इसलिए आपने फिर से आइसक्रीम अमित के घर के पते पर ऑर्डर की? मैंने तो सिर्फ अमित का जो ऑर्डर है उसे दोहराया है, अब देखते हैं ये डिलीवरी बॉय क्या करता है। सर आपको लगता है गिरीश वही करेगा जो उसने कल किया था? लगता नहीं है पंकज, गिरीश ने फिर से वही गलती की है, बोलेगा वो दूसरे रास्ते पे मुड़ गया। सर ये तो बस स्टॉप पे आके रुक गया, लगता है ये यहाँ किसी का इंतजार कर रहा है। किसका सर? शायद उसी आदमी का जो कल शायद इसे मिला होगा, पर वो आदमी आज नहीं आया और आएगा भी नहीं क्योंकि ये आइसक्रीम का ऑर्डर तो हमने दिया था। तो हम लोग जाके उससे पूछ क्यों नहीं लेते? नहीं, देखते हैं ये करता क्या है। सर
मुझे तो लगता है कल भी इसने इसी तरह पेड़ के नीचे मस्त खड़े रह के आइसक्रीम खाई रहेगी और आज भी खाने वाला है। अबे यार, इसने तो आइसक्रीम का मिल्कशेक बना दिया होगा। सर ये जा कहाँ रहा है? पंकज जिस आदमी का ये इंतजार कर रहा था बस स्टॉप पे, वो आदमी वहां पे नहीं पहुंचा, इसलिए शायद ये उसी से मिलने जा रहा है। ये उसी आदमी को ढूंढता हुआ यहां पर आया। तो आइसक्रीम का हलवा बना दिया, ना खाने के लायक बची ना पीने के लायक। चलो इसी से पूछते हैं, इसने ऐसा क्यों किया। चल बेटेगा। रट। बोल, क्या चक्कर है आइसक्रीम का? कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी यहां मिला था, उसने मुझसे कहा तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर पे अमित नाम का एक आदमी आएगा और वो बटरस्कॉच आइसक्रीम ऑर्डर करेगा सर। और कल अमित ने आइसक्रीम पार्लर में आकर बटरस्कॉच आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। हाँ सर, आया। और उस आदमी ने मुझे वो पता पहले से ही बता दिया था जिसपे अमित को वो आइसक्रीम डिलीवर करानी थी। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि आइसक्रीम उस एड्रेस पर डिलीवर ना कर उसको दे दूं सर। और तुमने आइसक्रीम उसे दे दिया? हाँ सर, वो मुझे बस स्टॉप पे मिला और आइसक्रीम लेके चला गया सर। उसने ये काम करने के लिए मुझे पूरे 2,000 रुपए दिए सर। उस आदमी का नाम, पता, फोन नंबर कुछ मालूम है? नहीं सर, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। वो आदमी दिखता कैसा था? उसकी हाइट करीब 5'6" होगी, रंग गोरा था, नाक उसकी चपटी थी सर, क्लीन शेव भी रखता था, जब भी आता था हमेशा बाइक पे आता था सर। सर ये आदमी तो बिल्कुल वैसा ही हुलिया बता रहा है जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने बताया था। मतलब एक ही आदमी दोनों जगहों पे था, अक्षय नाके पे और बस स्टॉप में। तुम ये बताओ कि उस आइसक्रीम के टब में तुम उंगली डाल के क्या ढूंढ रहे? सर मैंने अमित जी को उस आइसक्रीम के टब में कुछ रखते हुए देखा था। मैनेजर साहब, हाँ, इस आइसक्रीम के डिब्बे की डिलीवरी करा दीजिए जल्दी, इसका टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। आप बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल समय पे पहुंच जाएगा। जी इस बात का ध्यान रखिएगा कि यही डिब्बा पहुंचे, कोई दूसरा नहीं। हाँ बिल्कुल यही डिब्बा पहुंचेगा और आपकी आंखों के सामने। गिरीश? यस सर। बेटा ये डिब्बा इस पते पे दे आना। ओके सर। ठीक है। तो इसीलिए अमित की उंगलियों पे वो आइसक्रीम लग गया जिसके ट्रेसेस डॉक्टर सालुंके को मिले थे। हाँ सर। मैंने सोचा उसको आइसक्रीम दे दूंगा और अपने पैसे ले लूंगा सर। पर वो तुम्हें यहाँ भी नहीं मिला। नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कम से कम मैं उस आइसक्रीम के टब में से वो कीमती चीज तो निकाल लूं। अब तो अमित के घर वाले ही बता सकते हैं कि अमित ने उस आइसक्रीम टब में क्या कीमती चीज रखी थी और उस आदमी को वो कीमती चीज क्यों चाहिए थी। क्या ये क्या कह रहे हैं आप सर? फिरौती देने से पहले अमित आइसक्रीम खरीदने गए थे? जी हाँ। और उसने
उस आइसक्रीम में कुछ रखा था। हाँ, और जरूर वही चीज फिरौती थी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या रखा होगा उसने आइसक्रीम में? सर, कल सुबह मैंने उनके हाथ में एक यूएसबी ड्राइव देखा था जब वो स्टडी रूम से निकले थे। यूएसबी ड्राइव? एक मिनट सर। सर कहीं अमित ने वो यूएसबी ड्राइव आइसक्रीम में तो नहीं रखा? सर ऐसा ही था, और भी ऐसे रखे रहते थे उनके पास। ऐसी क्या खास बात छुपा के रखी होगी यूएसबी ड्राइव में अमित ने, जो फिरौती के तौर पर इस्तेमाल किया? फिर चुप हो। आप लोग चुप क्यों हैं? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? प्लीज मत छुपाइए, जो भी है सच सच बताइए, वरना बहुत देर हो जाएगी और काजल की जान को खतरा भी हो सकता है। बताइए। सर वो दरअसल सबको हम बताते हैं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बट एक्चुअली में कुछ और ही है। सर हम सरकार के लिए लाइव हथियार बनाते हैं, सरकार के साथ हमारा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है कि कुछ भी हो जाए हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तो कहीं कोई खुफिया जानकारी तो नहीं इस यूएसबी ड्राइव में जो अमित ने आइसक्रीम में डालकर दे दिया किसी को? गद्दारी की है अमित ने, देश के साथ गद्दारी। नहीं नहीं, वो गद्दार नहीं थे। हो सकता है कि बेटी की अगवा होने की वजह से एक बेचारा बाप टूट गया हो और उसने गलत कदम उठा लिया। बेटी की वजह हो या और कुछ भी, मगर देश के साथ कोई भी गद्दारी नहीं कर सकता। दया को फोन करो, कहो उसे कि ये सब कुछ उस आदमी ने किया है जिसने आइसक्रीम की डिलीवरी ली थी। उठाओ उसे, ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारे देश की सुरक्षा का सवाल। सर इस दुकान के सीसीटीवी से सामने वाले बस स्टॉप का फुटेज हमने उस पॉइंट से क्यों किया है जब वो आइसक्रीम डिलीवरी बॉय सामने आकर रुका था। गुड, लेकर। सर देखते हैं कौन है वो आदमी जो डिलीवरी बॉय से आइसक्रीम लेकर गया। ये वो आदमी, मतलब वो डिलीवरी बॉय सच बोल रहा था, ये लेकर गया आइसक्रीम। पूर्वी एक मिनट पॉज करो। जूम करो, बाइक का नंबर दिख रहा है, पता करते हैं ये है कौन। मैं बस थोड़ी देर टीवी देख लेता हूं। भाग क्यों रहा है? नहीं साहब, बस ऐसे ही डर गया था, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कब कहा तुमने कुछ किया है? साहब मैं बेकसूर हूँ साहब। अगर बेकसूर हो तो हमें देखकर भाग क्यों रहे हो? नहीं मैंने बस ऐसे ही। देख ऑक्ट्रॉय ऑफिसर बनकर तुमने उस ट्रक के ब्रेक और एक्सीलरेटर के साथ छेड़खानी की। साहब सर मुझे नहीं मालूम था साहब। सर इसके भी ब्रेक्स और एक्सीलेटर खराब कर देते हैं, भागना और अटकना बंद हो जाएगा इसका। नहीं साहब। तो फिर बता। मुझे नहीं मालूम कि कोई ट्रक में कुछ खराबी करने वाला है, और मुझे साहब ये भी नहीं मालूम कि ट्रक से किसी की जान जाने वाली थी। वो आइसक्रीम का बॉक्स जो तुम्हें उस डिलीवरी बॉय ने दिया था, उस आइसक्रीम के बॉक्स का क्या किया तुमने? मैंने
मैंने आइसक्रीम बॉक्स किससे डिलीवरी की थी साहब? किसके कहने पर, किसके कहने पर किया सब ये तुमने? साहब वो एक औरत थी। एक औरत? हाँ साहब। और वो औरत मिली कहाँ तुम्हें? एक बस स्टॉप पर वही मिली थी वो, और ये साहब ये सब कुछ मैंने पैसे के लिए किया साहब। उसका नाम पता तो मालूम नहीं होगा तुम्हें? सर, शक्ल भी नहीं देखी होगी क्यों? नहीं साहब, नाम नहीं मुझे मालूम है। वो जब आई थी तो उसने अपने चेहरा शॉल से ढक रखा था। उस औरत ने तुम्हें कॉन्टैक्ट कैसे किया? साहब उसने मुझे कॉल किया था। सचिन इसका मोबाइल फोन चेक करो, देखो कहाँ से आया था ये कॉल, बताओ। ये उसका नंबर है सर। ठीक है, किस बस स्टॉप पर मिली थी वो? सर सर यारी रोड बस स्टॉप पर सर, यारी रोड। सर ये यारी रोड तो 20 किलोमीटर दूर। कोई बात नहीं सचिन, जाएंगे हम 20 किलोमीटर दूर यारी रोड बस स्टॉप पर, जरूर कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। सर इसका क्या करना है, जेल भेज दें? नहीं नहीं जयवंती, इसे जाने देते हैं, वैसे भी ये कुछ काम का नहीं रहा हमारे, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हंस क्यों रहा है? अरे यार आज तीन तीन सियाड़ी वालों को चूना लगा के आ रहा हूं। उन्होंने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। अरे बता तो। अरे यार सियाड़ी वालों ने तो मुझे पकड़ ही लिया था, मुझे लगा कि आज तो मैं गया, लेकिन उसके बाद मैंने कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी सुनाई ऐसी कहानी सुनाई कि सियाड़ी वालों को भेज दिया कि यारी रोड बस स्टॉप। बिल्कुल झूठी कहानी। बहुत हंसी आ रही है। चलो अब हम भी एक कहानी सुनाते हैं तुम लोगों कि कैसे सीआईडी वालों ने इस टॉमी को बेवकूफ बनाया। तुम्हारे मोबाइल से मैंने अपना नंबर डायल किया, बस तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल से आ गया और तुम्हारा नंबर ट्रैक करते करते हम यहां तक पहुंचे, तुम सबकी बारात निकाल ले। तुम काजल हो? घबराओ मत बेटा। चलो।
यूएसबी ड्राइव कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। और? मुझे नहीं पता सर। अंकल, वो यूएसबी इनके पास नहीं है, किसी और के पास है। किसी और के पास है? किसके पास है बेटा? मैंने उन्हें बात करते सुना था, वो गुजरात जाने वाले, वहां से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। गुजरात? तो फिर दया उन्हें रोकना होगा, तुम जाओगे दया गुजरात। हेलो निखिल, नजरे गड़ा के रखना। हाँ सर। बॉर्डर की तरफ यही दोनों रास्ते जाते हैं, उन्हीं में से किसी में होगा वो। ओके सर। ओके, हम लोग नजर रखते हैं। और ये भी पता चला है कि वो हरे रंग की ओपन जीप। निखिल, हरे रंग की जीप में वो लोग, हरे रंग की, समझे? हरे रंग की? कहीं भी दिखाई पड़े रोक लेना उनको। ओके सर। वो लोग हरे रंग की जीप में बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? हाँ सर। हरे रंग की जीप। एक मिनट, वो देखो सामने कुछ जीप दिखाई दे रही, लगता वही लोग। हाँ लग तो वही रहे। ए, रुक जाओ। देखो आप लोग सीआईडी से, तुम लोग यहाँ से बच के जा नहीं सकते हो। अरे हाँ, ये तो सचमुच सीआईडी वाले, आप क्या करेंगे? तैयार रहना, पास मैं तोड़ा देता। सर सर वो लोग हमारे सामने ही हैं। ग्रेट, पकड़ लो उन्हें। जीप दिख गई है। ठीक है सर, हम उनके पीछे ही हैं। Hey, रुक जाओ तुम लोग, हम लोग सीआईडी से, रुक जाओ। ये तो नजदीक आ रहे, प्लीज जल्दी चलो, कुछ करो। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, हमारी बात सुनो। फायर कर रहे हैं। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, अपने आप को मारे। जी सर, फोन कर जल्दी। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। सर सर हम लोग उनका पीछा कर रहे थे, सर हमारी गाड़ी फंस गई। ओह नो सर, उनको पता चल गया हम उनका पीछा कर रहे हैं। हाँ सर। ओके सर, ठीक है हम लोग देखते हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। चलो यार, उन लोगों की जेब तो फंस गई है और दुश्मन निकला जा रहा है, क्या करें? एक रास्ता है हमारे पास, गाड़ी घुमाओ। गया मेरे? ये कहां ले आए तुम? ये तो फ्लाइंग क्लब है। और ये सामने प्लेन भी खड़ा हुआ है। प्लेन? अरे हाँ, कुछ दिनों पहले तुम प्लेन चलाना सीख रहे थे ना, तो तुम ये प्लेन उड़ा सकते हो? कोशिश कर सकता हूं। क्या बात है, चलो। और जोर से निकल। तुम्हें आता है ना चलाने? अरे आता है यार, ट्रेनिंग ली है। देख रहा हूं जरा, एक मिनट, डरना नहीं है। चल मेरी चिड़िया,
उठ जा, पहले 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 स्टार्ट। अरे अभिजीत, ये 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 कहाँ जा रहा है? अरे अरे एक 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 मिनट करता हूँ। ये अभिजीत क्या करो यार, ये कहाँ जा रहा है? तुम्हें चलाना आता है? ये हो जाएगा यार। अभिजीत ये सवाल क्या? बैठे रहो, हो जाएगा यार। ये अरे आजा चिड़िया, इधर आजा। क्या यार, मैंने दो ही लेसन लिए थे। अरे यार पकड़ के बैठो, चल 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 चल। याद आया यही है। ये जा रही चिड़िया ऊपर जा रही। हो गया ना यार। अब जीत संभाल के। हमें किसी भी तरीके से जीप को बॉर्डर पार करने से रोकना होगा। वो देखो सचिन और निखिल। गाइस सर, जीप आगे होनी चाहिए। वो देखो अभिजीत, जीप आ गई है। पीछे चलो अभिजीत। इसको पीछे से ही पकड़ते हैं। जो भी करना सवाल क्या करना है। पीछे चलो उसके ऊपर ले लो। छोड़ूंगा ना इसको आज। फिर से ट्राई करता हूं। दया
जगन, शर्म आनी चाहिए जगन तुम्हें। अपने ही परिवार की लड़की को किडनैप किया तुमने, और ऋचा तुम पैसों की लालच में इस गुनाह में शामिल हुई थी। तुम्हारे पास तो वो इन्फॉर्मेशन पहले से थी जो तुमने अमित से फिरौती के तौर पे मांगी थी, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दुश्मन को भेज दी थी, और मुझे पता था कि सरकार को इस बात का पता चल जाएगा। इसलिए तुमने किडनैपिंग का ड्रामा किया ताकि इसमें अमित फंस जाए। जी, और जब सरकार इस बात की छानबीन करेगी तो यही पता चलेगा कि अमित ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो सीक्रेट्स दुश्मनों को भेज दी। अमित को तो तुमने बहुत सफाई से मरवा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले और मामला यहीं खत्म हो जाए। और जब इसे पता चला कि हम इसके सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं तो देश छोड़ के भागने की तैयारी में था। कहां तक भागोगे अपने गुनाह से बच के? फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.